अरे सर, माथे पर ये टीका और विभूति, उंगलियों में अंगूठियां देखकर लगता है भगवान में विश्वास करते हो। देखो नीचे नजर उतार के फेंकी है किसी ने नींबू से बच के। मैडम को हाय बोल देना मेरा। बाय सर, निकल। कल चाहिए, यहाँ से बस नहीं पकड़ेगा। अरे छोड़ना, रोज मिलते हैं इसे। दरअसल मैं तुम्हारी मदद मांगने आया था। किस बारे में? अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, उनका पता लगाना है। नेल्लोर जिले में ही कम से कम 5 डेड बॉडीज रोज पाई जाती हैं। इन बॉडीज को कोई पहचान भी नहीं पाता, ये मर्डर है या सुसाइड कुछ पता नहीं चलता। ये बॉडीज मिसिंग कंप्लेंट से भी मैच नहीं करती। ठीक है, एक अनक्लेम डेड बॉडीज का सेक्शन जरूर होता है, वहाँ एक हफ्ता बॉडीज रखते हैं। अगर कोई आकर पहचान ले तो ठीक, वरना वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके एक ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दरअसल मैं इस केस की तह तक पहुंचना चाहता हूं, पर अफसोस यह है कि मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं। तुम इसमें इंटरेस्ट लोगे? अगली बार बॉडी मिले तो फोन करो ना यार, तुमको तो पता है इस तरह के केस के लिए मरता हूं मैं। फोन कर देना। ठीक है। क्या दीदी, ठीक हो ना? हाँ सीनो, ठीक हूं। तो और क्या, बाकी सब तो ठीक चल रहा ना? हेलो, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। हाँ थैंक्स। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ? मिलता हूँ, कोई तो मर्डर केस है। अच्छा सुन, ऑफिस का फैन चालू है, टीवी चालू है, कम से कम शटर तो गिरा दे। अजीब है यार। घर में चोरी हो गई है? क्या आपके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? आपको उन पे शक है क्या? क्या आपकी फैमिली में किसी को किडनैप किया गया है? हर समस्या का समाधान चुटकियों में पाओ, तो इंतजार किस बात का है? फोन उठाओ, नंबर लगाओ, समस्या बताओ, हम आपका केस सॉल्व करेंगे। हमें FBI नेल्लोर, हम क्राइम को आइसक्रीम की तरह पिघला देते हैं। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि हमारी डिटेक्टिव टेक्निक्स कितनी असरदार हैं, तो आपको मैं आज एक छोटा सा डेमो देता हूं। ए, वो क्रिमिनल को भेजो, मेरा नाम श्री हरी, यू आर अंडर अरेस्ट। देखा आपने, बिजली से भी तेज इंसाफ मिलेगा, आपको इससे बढ़िया डिटेक्टिव कहीं नहीं मिलेगा। सुबह 11 बजे से पहले फोन कीजिए और धमाका ऑफर का फायदा उठाइए, खास आप लोगों के लिए। सुबह 11 बजे से पहले आने वाले केसेस को मिलेगा एक बहुत ही आकर्षक, एक बिल्कुल फ्री डब्बा। तो अभी फोन लगाइए, फोन उठाएंगी वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव स्नेहा। क्या कहती है स्नेहा? स्नेहा इसको काट देंगे। एजेंट साय श्रीनिवासा आत्रेया। अरे सर ये लो, फोन करना FBI नेल्लोर। अरे रुक यार, थक गया मैं। वो देख कबूतर। रुक, ए, अरे क्या कर रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है। पकड़ के दिखा। रुक, टेंशन मत लेना, सब संभाल लूंगा। एक नट तू भी लगा ले। मामा, माँ कहाँ है? मैंने सारे अंतिम संस्कार दोपहर में ही कर दिए सिनू। आज पंचक काल लगने वाला था, पंचक काल के दिन अंतिम संस्कार करना घर के लिए बहुत अशुभ होता है, इसलिए मुझे सब जल्दी करना पड़ा। मेरे आने तक रुके क्यों नहीं मामा? मेरे बिना अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसी बात नहीं है सिनू, तुम तो जानते हो हमारे गांव के लोग और यहाँ के रीति रिवाज। अरे रीति रिवाज की तो मैं अपनी माँ को नहीं देख पाया। इसको इससे भाग करना है, ठीक है? करो, इसको इससे भाग दे देते हैं।
सब हुआ कैसे? पिछले हफ्ते वो हर साल की तरह आदि महोत्सव में गई हुई थी। तुम जानते हो वहाँ की परंपरा, भक्तों के सिर पर मंत्र जाप करके नारियल फोड़ा जाता है। उसके बाद तो वो ठीक थी, लेकिन एक दिन अचानक घर पर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी सिर की नसें डैमेज है और वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद 2 घंटे बाद ही तुम्हारी मौत चल बसी। आपने उन्हें जाने क्यों दिया? छोड़ो माँ। माँ चली गई। रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक जा। माँ देखा, लग गई ना चोट, इसीलिए रोक रही थी। हाँ सिरीश। हेलो, नेलोर के बाहर वेंकटाचलम रेलवे ब्रिज के पास एक डेड बॉडी मिली है। क्या बात कर रहे? जल्दी आ जाओ। हाँ मैं भी आता हूँ। थैंक्स यार। ओके बाय। क्या कर रहा बे? कौन है तू? तूने तो नहीं किया ना ये फोन? हाँ मैं क्यों फोन करूंगा सर, मुझे तो फोन आया था इसीलिए। तो तुझे बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भेजा है? सर मैं एक डिटेक्टिव हूँ। अरेस्ट कर इसे। चल रहे। ये घुसखोर। चल बोला ना सर, समझाओ इसको। इतने फेमस डिटेक्टिव को अरेस्ट करना आसान नहीं है, पता है ना? नहीं पता, ले रहे इसको। सर सर ये फाइल को मैंने देख लिया सर। अब आप देखना चाहे तो इसे देख लीजिए। और क्या स्टाइल है, वाह 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 वाह। एक हाथ में बर्गर, दूसरे में चकना। सर ये चिप्स की आवाज तो रहमान के म्यूजिक जैसी है, आपको सुनाई दे रहा है ना? क्या बात है सर, ये हाइट, ये यूनिफॉर्म, क्या पागल हो गया क्या सर? जंजीर के इंस्पेक्टर जाकर इसकी सर्विस कर। अमित जी लगता कोई सनकी है सर। मैं फाइल को सर्विस को सर। Please. Okay, sir. Hey, Suresh Watson, I can't possibly tell you how disappointed I am upon your late arrival. Please do the needful to get me out of this godforsaken place. Thank you so, so much. What a bloody brilliant day. Sir, मैं इनाडू का एक क्राइम रिपोर्टर हूँ सर। हाँ तो? सर, जिसे आपने अरेस्ट किया है, अथ्रेया, मेरा दोस्त है। तेरा दोस्त अब कैदियों का दोस्त बन गया है, तुझे भी अंदर जाना है क्या? सर, ये वाकई एक फेमस डिटेक्टिव है सर, आपसे जरूर कुछ गलती हुई होगी। फेमस होगा अपने घर पे तो टमाटर वालों के अलावा कोई नहीं जानता। फेमस कहाँ से हो गया? वो वहाँ गया था क्योंकि मैंने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी। क्राइम रिपोर्टर बता रहा खुद को, तुझे तेरी भाषा में समझाता हूँ। क्राइम सीन पे जो चीज़ें होती हैं उसे सबूत कहते हैं, और वो लोग जो तेरे दोस्त की तरह वहाँ मौजूद होते हैं ना, उसे मैं सस्पेक्ट कहता हूँ। तो भैया मैं तो छोड़ने से रहा। हाँ बेल ले गया अपने दोस्त को? ले जा। आज तो कोर्ट में छुट्टी है सर, कल सुबह तक बेल नहीं मिलेगी। तो आज रात यही रहने दे, फिक्र मत कर, खातिरदारी करेंगे, पानी मांगेगा दूध देंगे और फिर पिछवाड़े से निकालेंगे। मैं जानता हूँ इसे कैसे छुड़ाना। चलो स्नेहा। हाँ तो कर लेना जो करना है, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। अत्रेया मैं अभी आया। कुछ कर यार जल्दी। हेलो इट्स ओके, एक ही दिन ना चलेगा। डिटेक्टिव्स के लिए अरेस्ट होना शुभ होता है। जब मेरी लाइफ पे बायोपिक बनेगी ना तो ये जेल वाला सीन बहुत इमोशनल बनेगा, देखना। कल सुबह 10 बजे बेल की कोशिश करता हूँ। अरे कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है यहाँ पे, बस ये थोड़ा खराटे ज्यादा लेता है। डोंट वरी,
कल बेल लेके स्टाइल से जाएंगे। अफसोस, आपका समय समाप्त। उठो यहाँ से, तेरी तो बायोपिक भी फ्लॉप होगी बे। इसकी बायोपिक बनी भी ना तो ऐसे ही सारे कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ेंगे। सच कह रहा हूँ सर। अरे भाई और कितना झूठ बोलोगे मुझसे, तुम्हारी फीस भरते भरते मेरा भरता निकल गया है, कब बेल मिलेगी? देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, एक हफ्ते में तुम्हें बेल दिलवा दूंगा, मेरा यकीन करो। पता नहीं तुम्हारा वाला हफ्ता कब आएगा। क्या हुआ मेरे भाई? कुछ नहीं भाई, पिछले महीने मेरे गांव में चोरी हुई थी, चोरी चोर ने की और पकड़ मुझे लिया और यहाँ लाके बंद कर दिया। पर सच में ये चोरी मैंने नहीं की, मैं वकील साहब से कह रहा हूँ मेरी बेल करवा दो, हर हफ्ते आते हैं अगले हफ्ते का चूरन दे जाते हैं। एक काम करो, अपने लॉयर को बोलो कि उस दिन तुम गांव में थे ही नहीं। ये बात कौन मानेगा? उनसे बोलना कि तुम साईं बाबा का प्रवचन सुनने चेन्नई गए थे। चेन्नई के किसी भी लॉज का बिल लेकर आ जाओ और उसी के बगल में किसी रेस्टोरेंट का खाने का बिल लेकर आओ और बगल के सिनेमा हॉल से दो एक टिकट भी ले लेना। और चेन्नई आने जाने के प्राइवेट बस के नकली टिकट भी। ये सब चीजें इकट्ठा करो, उसके बाद एक नकली कहानी बनाओ, जज के सामने यही साबित होगा कि तुम उस दिन चेन्नई में थे, गांव में थे ही नहीं। आप तो महान है सर। थैंक्स। लॉयर को बोलो किताबें छोड़े, थोड़ी फिल्में देखना बहुत जरूरी होता है। फिल्में देखे बिना ये लॉयर लोग कैसे लॉयर बन जाते हैं यार। सर सर सर, मेरी भी बेल करवा दीजिए ना। नहीं, एजेंट, एजेंट साय श्रीनिवासन आत्रेया। चलो रे, ये झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, एक लाइन बनाओ यार। इसकी भी सबकी बेल कराएगा आज एजेंट आत्रेया। भाई तुमने क्या कांड किया? सर मैंने तो सिर्फ एक बड़ा चुराया। हाँ तो तुम्हारे पास तो गवाह मौजूद है, तैयार करो उसे। आज से पहले इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जेल से छूटेगा। लाइन में आओ भाई लोग, लड़ना नहीं, पर इसकी शक्ल पे लिखा है ये दोबारा क्राइम करेगा। शर्म नहीं आती ना चोरी करते। सर ये क्या घटिया खाना है, किसी अच्छे होटल से खाना मंगाओ ना। जो दिया है ना वो चुपचाप खा, समझा? जा अंदर। आइए सर, स्वागत है, आइए बैठिए बैठिए।